देखिए, शिवसेना का सामना का जो अखबार है वो जो है हमेशा एक पोपट मास्टर है, और पोपट मास्टर ने लिखा था कि हम अकेले लड़ेंगे, पोपट मास्टर ने लिखा था कि हम मोदी को हराएंगे, तो पोपट ने कुलाटी मारकर मोदी के साथ चले गए। तो अब हम इन पोपट मास्टरों को उनको ज्ञान दे रहे हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान ये दे रहे हैं कि उनको जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रिवेसी का जजमेंट पढ़ना चाहिए, पढ़ते नहीं है ना ये लोग। उनको 377 सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया, वो पढ़ना चाहिए। अगर वो समझ में आ गया उनको, तो उनको मालूम होगा कि चॉइस, कैपिटल लेटर्स में कह रहा हूँ शिवसेना के लिए, CHOICE, चॉइस अब हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है। आप जीन्स पहने, आप बुरखा पहने, नकाब पहने, घूंघट पहने, आप कुछ ना पहने, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि शिवसेना ने कुलाटी मारकर जो मोदी का हाथ पकड़ लिया, तो पॉलिटिकली उनके पास अब कुछ छुपाने को है ही नहीं, तो इसीलिए ये बकवास कर रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी इजाजत है। दूसरी बात, मैं इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके इस आर्टिकल को वो इमीडिएटली इसका नोटिस लें, और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन है, MCC का ग्रेव वॉयलेशन है, और ये पूरे मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम खवातीन के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ। तो इलेक्शन कमीशन को फौरन इसका नोटिस लेना चाहिए। थर्डली, ये पेड न्यूज में आता है, ये पेड न्यूज में आता है। तो ये तीन चीजों का ये ग्रेव वॉयलेशन है। एक तो इनको समझ में नहीं आता कॉन्स्टिट्यूशन, इनको जैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बोलते इनको लगता है कि कोई इनके सामने कोई खतरनाक शेर आ चुका है। तो हम इनको समझा रहे हैं कि भैया चॉइस जो है ना वो अब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, कोई भी किसी कोई भी कपड़ा पहन सकता है। ये वही लोग हैं जो कल तक कह रहे थे कि लेडीज जीन्स नहीं पहनना, आप हमारे मुल्क में हमारे लेडीज घूंघट ही पहनती है, वो भी निकाल देंगे क्या? अरे तुम समझो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान एक प्लूरल कंट्री है, और आपका ये हिंदुत्व आप सब पे इंपोज नहीं कर सकते। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके